हाँ जरूर, राहुल आजा। फाइनली वी आर इन द वैली। तो इस वैली की खास बात यह है कि ये वर्ल्ड्स हेरिटेज साइट है, तो ये एक धरोहर है, इसीलिए हमें इसकी हिफाजत करनी होगी। पंजाब सिंधु गुजरात मेरे साथ, मेरे आसपास सिर्फ राहुल है और बाकी के लोग, इवन द ट्रैक लीडर, वो भी नीचे लड़कियों के साथ चिल करता हुआ। और हम ये बेहतरीन नज़ारों के मज़े लेते हुए लुक एट द दिख रहा हूँ। हाँ, तू जादू है, जादू बड़ा दे दिया तुमने। हाँ मेरा यार काफी ठीक है, लेकिन हाँ परफेक्ट। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और हम निकल गए हैं वैली ऑफ फ्लावर्स के ट्रैक के लिए, और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, तो देखते हैं कि कैसा व्यू होता है। स्टे ट्यून्ड, बाय। अबे गिर गया ये तेरा, उठा दू। थैंक यू, ढीला हो गया था साला। चलो दोबारा चलो। राहुल सारे ट्रैक्स में शॉर्टकट लेता हुआ, और क्योंकि मुझे उसके साथ रहना है तो मुझे भी लेने पड़ रहे हैं शॉर्टकट्स राहुल के साथ साथ। ये रास्ता जा रहा है वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए, और ये राइट वाला जा रहा है हेमकुंड साहिब जी के लिए, तो हमें इधर जाना है। तो अभी है हम वैली ऑफ फ्लावर्स के एंट्रेंस पे, जहाँ से हमें परमिट मिलेगा, और उसके बाद हम वैली को एंटर करेंगे। ये इसका एंट्री गेट, यहाँ पे लोगों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी चल रही है, और यहाँ मैं राहुल परमिट का वेट करते हुए। बाय। और यहाँ पे तेरा निकाल दूँगा, फ्रिस्किंग चलती हुई फिलंकी। तू मेरा निकाल दे, मैं तेरा निकाल दूंगा, ऐसे करके दिखवा दो ना, मैंने ऐसे चेक कर लिया। की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वाह वाह वाह। हाँ, पंजाब सिंधु गुजरात हिमाचल तरंगा तब सुमना बेजांगे तब शुभ आशीष मांगे गाए जब जय गाता जय गण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय हे जय हे जय 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 हे जय माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम। सभी लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको धन्यवाद जी, आपको भी। चलो जल्दी से हमें भेज दो।
राहू चाचा भारत माता की जय। चलो और ये आ चुकी है एक वाटर क्रॉसिंग, छोटी सी है नॉट दैट गुड। और ये है रिवर और इसको हम क्रॉस करके जा रहे हैं उस पार। अडियो राहुल ट्रेवल नेवर एंड्स, पूरी तैयारी के साथ हैं दोस्तों हम। और ये है एक दूसरों से और ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में हम लोग इस घाटी में हैं अभी। एंड स्टार्ट करा था तो बारिश हो रही थी, इट वॉज ड्रिजलिंग, बट अब बारिश बंद हो चुकी है और मौसम थोड़ा साफ होता जा रहा है। और पोंचो येरा पोंचो उतार दिया है और चिल का मोड ऑन है। राहुल ग्रेट ग्रेट डांस राहुल। और दोस्तों ये हम रेन फॉरेस्ट में आ गए हैं, ऐसा लग रहा है द लश ग्रीनरी। यहाँ अंधेरा हो चुका है, आमिगोस राहुल फिर से शॉर्टकट लेता हुआ, और क्योंकि मुझे उसके साथ रहना है तो मुझे भी उसके साथ शॉर्टकट्स लेने होंगे। एंड दिस ट्रेल इज क्वाइट इजी बट बारिश के बाद ये काफ़ी डेंजरस हो चुकी है। और यहाँ पे बंद देखिए करते हुए मुझे कहाँ से जाना होगा। ठीक है करो भाई, हाँ चलो राहुल पकड़िए इसको, इसको आगे थोड़ा ऊपर आगे पकड़ लेना। अरे तू पहले उठ के। और जैसा कि आप देख सकते हैं वैली में मौसम साफ हो गया है, धूप निखर गई है बिखर गई है और ये आसमान और भी ज़्यादा सुंदर हो गया है। और ये हमारा वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक जारी है। ये ट्रैक सुबह सुबह हमने शुरू कर दिया था 7:30 बजे, जो कि हम 6:30 बजे शुरू करने वाले थे, बट हमारा जो बैच है उसमें 30 लोग हैं तो सब बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं हो सकते हैं, इसीलिए हम वहाँ से 7:30 बजे निकल पाए। और 7:30 बजे हमने ये वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक शुरू किया। अब जो मैंने टारगेट सेट करा है कि मैं 9:30 बजे तक या मैक्सिमम 10 बजे तक वैली में पहुँच जाऊँ, और बाकी मेरे साथ मेरे आसपास सिर्फ राहुल है और बाकी के लोग इवन द ट्रैक लीडर वो भी नीचे लड़कियों के साथ चिल करता हुआ। और हम ये
बेहतरीन नज़ारों के मज़े लेते हुए। लुक एट द व्यू गाइस, दिस इज अमेजिंग, वाओ। और राहुल, जैसे कि आप देख सकते हैं, राहुल छोटे छोटे हॉल्ट लेके ट्रैक कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी टेक्निक है। तो मिलते हैं अब सीधा आपसे वैली ऑफ फ्लावर्स में। बाय बाय राहुल। राहुल की गाइस फट चुकी है, चिल करते हुए गाइस अब बिना चिलके हो गए हैं। और अब हम आधा रास्ता कवर करने के बाद ये डिसेंड करते हुए, और राहुल ये रहा मैं अब। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमें पीछे और आगे दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है, बट राहुल को डर है कि यहाँ भालू ना आ जाए। राहुल दोस्तों दोस्तों चिल्ला रहा है, लेकिन दोस्तों के नाम पे कोई रिप्लाई बैक नहीं कर रहा है। तो राहुल काफ़ी भयभीत है, बट राहुल को मेरा सहारा है और मुझे राहुल का सहारा है, तो हम दोनों को अब कोई डर नहीं लग रहा है। और गाइज, अगर भालू आया तो बचपन में जो कहानी सुनी थी उसके जैसा हमें करना होगा, तो हम बच सकते हैं, वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है गाइज। और ये काफ़ी ऊंची घास, वाइल्ड ग्रास आ चुकी है, जो कि एक साइन है कि हम लोग वैली में कुछ ही देर में एंटर करने वाले हैं। तो धीरे धीरे कुछ नया मिलेगा तो अपडेट देते रहेंगे, वरना फिर वैली में ही मिलेंगे। अभी इस टाइम हम थोड़े पिछड़ गए हैं, हम नहीं पिछड़ गए, बाकी बंदे पिछड़ गए हैं, हम आगे हैं। तो तेने मोस नहीं है, तो बट कोई दिक्कत वाली है दोस्तों, राहुल ने रुकने के लिए बोल दिया है, तो क्योंकि मैं राहुल की जिम्मेदारी ले रहा हूं तो मुझे रुकना होगा। रुक गया हूं। और ये वाटरफॉल सामने है वैली, और वहां पे कुछ ग्लेशियर्स पड़े हुए हैं जो कि पिघल के नीचे पानी बन रहे हैं। और ये रहा मैं, ग्लेशियर पॉइंट। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ऐसी जगहों पे आपको जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि यही लैंडस्लाइड जोन भी बन जाते हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए, वी आर अनस्टॉपेबल, सो इम्पराबले। और इसी के साथ हम वैली में एंटर कर चुके हैं। हमने ट्रैक स्टार्ट करा था 7:30 और 9:20 पे हमने वैली में एंट्री मार दी है। अब आगे के नज़ारे देखते हैं, और कहीं अच्छी जगह रुक के अपना लंच करेंगे, और वैली की खूबसूरती का लुत्फ उठाएंगे। तो हमने जितना टारगेट सेट करा था 9:30 या 10, उससे पहले ही हमने अपना ट्रैक कवर कर लिया और वैली में टाइमली एंट्री कर दी। सो वी डिड इट गाइस, ग्रेट।
जाएंगे। हाँ आगे कुछ है भी नहीं वैसे अब। हाँ यार राहुल आजा। फाइनली वी आर इन द वैली। तो इस वैली की ख़ास बात यह है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ये एक धरोहर है, इसीलिए हमें इसकी हिफाजत करनी होगी। और यहाँ बिल्कुल कूड़ा नहीं फैलाना है। और यहाँ पे अभी तो इस टाइम कंपैरेटिवली मुझे ऐसा लगता है कि कम फ्लावर्स हैं, बाकी इफ़ यू टॉक अबाउट फ्लावर्स तो यहाँ पे लगभग 550 से ज़्यादा स्पीशीज़ है फ्लावर्स की, लेकिन अभी तो कुछ 8-9 फ्लावर्स दिख रहे हैं जिसमें मुझे पता ही नहीं है। आई वॉज़ लुकिंग फॉर ब्लू पॉपीज बट कुडंट फाइंड इट। और यहाँ पे थोड़ी वाइल्ड ग्रास है जो कि मेरी हाइट 5 feet 6 inches से भी ज़्यादा है। तो दिस इज़ द वैली ऑफ फ्लावर्स, हैव अ लुक एट देम। तो जस्ट एन्जॉय द व्यू एंड हैव फन, और अपनी बॉडी के साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें वाइल्ड ट्रैकिंग। जितना आपको लगता है कि आपकी बॉडी कर सकती है उतना ही करें। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे कहीं एंड विल हैव आ लंच, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करके वी विल गो बैक टू घांगरिया टू आर होटल्स। तो लुक एट द व्यू गाइज, दिस इज अमेजिंग। You can look at it and you can always admire it. The beauty of Valley of Flowers. Wow. That's amazing. So this is how we conclude the stretch of the valley. Now we have open meadows and here we have a cute waterfall, or you can call it a cute water crossing, where you can fill your water bottles and you can drink it without an iota of doubt. This is crystal clear water. So here we are going to sit and we'll have our lunch. Bye bye, take care. Yahan baithe aage hoga na, aa ja raja. Amazing. बहुत पर भाई बैटरी बहुत है उसमें, 22% और अभी हम वैली से काफ़ी आगे आ गए हैं। हम जा रहे हैं रिवर बेड की तरफ जो
जहाँ से नदी बिल्कुल पास से दिखेगी, और हो सकता है तो हम और भी चीज़ें शायद आगे एक्सप्लोर कर सकें। राहुल आराम से देख के, तो दोस्तों यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं, एक जा रहा है आगे रिवर बेड की तरफ जहाँ से आप नदी को काफ़ी पास से देख सकते हैं, और एक रास्ता जा रहा है ये नीचे जो कि लिखा है वे टू लेगी ग्रेव। तो ये वो इंसान हैं इंग्लैंड की जिन्होंने यहाँ पे ये इतने सारे फूल फ्लावर्स हैं उन पर रिसर्च किया था, या यूं कहें कि इस जगह को एक तरीके से डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे हम उनके स्मारक की तरफ जा रहे हैं, एग्जैक्ट मुझे उनका नाम तो नहीं पता है, होपफुली वहाँ पे नाम ग्रेव पे लिखा होगा, एनकार्व्ड होगा। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। एक मैं और एक मेरा भाई और हम दोनों ही तबाही। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और ये हम पहुंच गए हैं इन लविंग मेमोरी ऑफ जॉन मार्गरेट लेगी, February 21st, 1885 टू 4th July 1939। आई विल लिफ्ट अप माई आइज ऑन टू हंट टू द हिल्स फ्रॉम व्हेंस कमेथ माई हेल्प, माई हेल्प, मेरी दृष्टि हिमालय के उन शिविरों पर जाएगी जहाँ से मुझे शक्ति आई है। और ये है मार्गरेट लेगी का ग्रेव इन लविंग मेमोरी ऑफ मार्गरेट, एंड दिस इज द वैली, वैली ऑफ फ्लावर्स। इट इज ब्यूटिफुल, अमेजिंग, सुपर्ब, जेनियल, परफेक्टो, ग्रेट। चलो यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं, हम नीचे ग्रेव से आ चुके हैं, अब हम जाएंगे सीधा जो कि शायद 1 किलोमीटर है। लेट्स सी, मेरे ख्याल से तो 3 लिखा हुआ है, आई डोंट नो, लेट्स गो। पानी की आवाज़ बढ़ती रहेगी, इसका मतलब हम मंजिल के काफ़ी करीब हैं। दिल्ली से भाई, हाँ भाई, उखड़ा होगा, उड़ के आ गया ये। हाँ, और ये
जैसे ही आप नीचे जाते जाओगे, वाइल्ड ग्रास काफ़ी लंबी लंबी, एंड आई थिंक वी आर दी सो वी आर द फर्स्ट ग्रुप जो यहाँ पे पहुँचा है, और वी आर ऑलमोस्ट एट दी एंड पॉइंट ऑफ दिस ट्रैक कॉल्ड वैली ऑफ लास्ट ट्रैक। तो अभी हम जाते हैं रिवर बैंक पे, एंड देन वहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं, एंड उसके बाद हम यहाँ से लौटेंगे जल्दी से जल्दी, मौसम ख़राब होने से पहले हमें यहाँ से वापस जाना है। देसी देसी ना बोला कर चोरी रे, इस देसी की फैन यो दुनिया हो रही से। तो दोस्तों अभी हम बिल्कुल रिवर बैंक पे पहुंच गए हैं, और सबसे बेस्ट बात ये है कि राहुल और मैं, हम दोनों पहले दो बंदे हैं जो आज के सारे बैचेस में सबसे आगे निकल के यहाँ तक आ पाए हैं। तो आई एम प्राउड ऑफ यू राहुल, वेल डन, ग्रेट जॉब। तो दिस इज द व्यू, और सब ग्लेशियर पिघल के आ रहे हैं, एंड मज़ा आ रहा है लाइफ में। Finally we are here. काला आ रहा है। राहुल कैसा है पानी? दोस्तों राहुल ने बोला है चिल्ड पानी है, मेरे पे छींटे मार रहा है। अगली बार इसको बोलूँगा अपनी बंदी के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए, क्योंकि ये सब काम मुझे पसंद नहीं है। बाय बाय। तो बस यही है रिवर बैंक, और ये है यहाँ के नज़ारे, और अब हम यहाँ से निकलते हैं। 12 बज रहे हैं, 1 बजे तक हमें अपने गाइड के पास पहुँचना है जो कि बीच में रुक गया है। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। अभी टाइम हो रहा है 12:30, हमने यहाँ लगभग 20-25 मिनट चिल करा, और अभी हम जा रहे हैं वापस वैली की तरफ जहाँ पे हमारे फ्रेंड्स हमारा वेट कर रहे हैं। तो अभी वहाँ पहुँचते हैं जल्दी, और उसके बाद हम वापस ट्रैक करेंगे, वापस डिसेंड करेंगे गांगरिया विलेज के लिए। बाय। तो दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक हमने ऑलमोस्ट कंक्लूड कर दिया है, और अभी दोपहर के 2:10 हो रहे हैं, और 5 मिनट में मैं एग्ज़िट कर दूंगा, और ये ट्रैक हमने ऑलमोस्ट 9:15 या 9:30 बजे स्टार्ट किया था, एंड वी हैव completed this track in straight 5 hours। और ये सिर्फ वैली ऑफ फ्लावर्स का ही ट्रैक नहीं था, उसके आगे
लगभग 4.5 किलोमीटर का और ट्रैक था जो कि रिवर बैंड का था, हमने वो भी कंप्लीट करा। तो एक साइड से अप्रॉक्सीमेटली वी कवर्ड 10 किलोमीटर्स, सो एक साइड का 10 किलोमीटर्स एंड देन वापसी टोटल 20 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स। एंड कल हमें घाघरिया का ट्रैक जो कि 9 किलोमीटर का था उसे कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट 6 घंटे लग गए थे, और आज 20 किलोमीटर्स इन स्ट्रेट 5 आवर्स। सो आई थिंक वी आर गेटिंग बेटर एंड बेटर डे बाई डे। सो आई एम गोना कंक्लूड दिस, हियर वी आर गोना कंक्लूड दिस वीडियो ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स। पुनः आगमन की प्रतीक्षा में उपवन संरक्षण नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क जोशीमठ। और ये हमारे साथ के बंदे हैं, यहाँ पे सुबह फ़ोटो नहीं हो पाई थी क्योंकि काफ़ी भीड़ थी, तो यहाँ पे मैं भी फ़ोटो खिंचवाऊँगा। तो आई वॉन्ट टू करेक्ट माई सेल्फ, हमने जो ट्रैक स्टार्ट किया था वैली ऑफ फ्लावर्स का वो किया था 7:15-7:30 के करीब, और हमने ये ट्रैक कंप्लीट किया है 2:30 के करीब। तो हमें जो टोटल टाइम लगा है, और हमने ट्रैक करा है घाघरिया से वैली ऑफ फ्लावर्स, देन वैली ऑफ फ्लावर्स से लेके रिवर बैंड, तो एक साइड से 10 किलोमीटर्स आने का 10 किलोमीटर्स। तो हमने ये ट्रैक कंप्लीट करा है 20 किलोमीटर्स का 7 आवर्स में। पहले मैंने 5 घंटे बोला था, विच वॉज़ नॉट करेक्ट। बाय।